वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले विद गाइस। सो गाइस आज हम एक बार फिर दोबारा से खेलने वाले हैं ग्रैनी चैप्टर 1 और आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल मोड में सीवर एस्केप करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर आज की इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्ले ओके। तो यहां पर डिफिकल्टी नॉर्मल रखेंगे और नाइटमेयर को नहीं रखेंगे। एक्स्ट्रा लॉक्स म्यूजिक ओके। क्वालिटी भी मीडियम रखेंगे। कंटिन्यू ओके ओके। तो यहां पर हमारा आज पहला दिन है और हर बार की तरह मुझे इसे यहाँ पर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर वैसे रूम ही चेंज कर देते तो ही अच्छा होता। तो मेरा मुझे लगता है कि आज हमें ऊपर की साइड नहीं जाना। चलो ऊपर की साइड ही चलते हैं इसे लेकर, क्योंकि ऊपर फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी ऊपर की साइड चलते हैं। ओके तो यहाँ पर अभी हमने उस साइड शोर किया और हम इस साइड आ गए, लेकिन मुझे लगता हमारी ये ट्रिक काम नहीं करेगी। ओके काम कर गई कर गई। अब ग्रैनी तो उस साइड चली गई, तब तक कि हमने सोचा कि हम इधर ही आ जाएं। और यहाँ पर तो फिलहाल हमें कुछ नहीं मिला। आप सीधे नीचे की साइड चलते हैं क्योंकि ग्रैनी अभी आती होगी। ओके तो आई थिंक ओके। तो अभी काम करते हैं, हम इस साइड से ग्रैनी को पहले अपने साथ ही ले आते हैं और इसे ऊपर लगा देते हैं, आराम रहेगी हमें। तो अभी ऊपर की साइड चलते हैं सीधे। अरे ग्रैनी ने मुझे देखा ही नहीं। तो क्या करते हैं अभी इस साइड। ओके तो अभी मैंने नीचे की साइड शोर कर दिया, तो ग्रैनी उस साइड जाएगी। तब तक के लिए हम इस साइड चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। तो यहाँ पर मुझे एक कॉक बिल मिला है। तो चल आ जा ऊपर। इसे क्या करें हम, ये पागल है, इसने अभी तक मुझे देखा नहीं। चलो तो यहाँ पर भी शोर कर देते हैं और इसे बुलाते हैं यहाँ पर। ओके चल आ जा। तो यहाँ पर हमारी कमर का कचूमर बन चुका है। तो फिलहाल अभी हम इसे यहाँ से लेकर ही चलते हैं और यहाँ पर एक बुक भी रखी है, तो यहीं पर इसे रख देते हैं जहाँ पर इसका काम है। तो यहाँ पर इसे ड्रॉप करते हैं। वैसे कोक बिल का आई थिंक तो कुछ काम रहने वाला नहीं है क्योंकि, तो चलो हम कोक बिल को ढूंढने के चक्कर में ज़्यादा नहीं रहेंगे। तो ग्रैनी भी साइड आ रही है। ओके तो बुक को उठाकर ऊपर की साइड चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर मुझे अभी फिलहाल प्लास मिला। ओके पागल आ गए यार। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं भैया, निकलते हैं यार। चलो तभी ऊपर की साइड ही चलते हैं, ऊपर की साइड ही चेक कर लेंगे। हो सकता है मैं ऊपर की साइड कुछ मिल सके, देखते हैं क्या मिलता है। तो इसे काम कर देंगे। ओके तो इसे यहाँ पर, जी यार अभी फिर से ये यहाँ पर आ गई। तो अभी इसके जाने का यहाँ से वेट करते हैं थोड़ी देर, ये चली जाएगी तब हम उस साइड जाएंगे और देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता हमको। आई थिंक अभी ये जा रही है। ओके तो अभी तो ग्रैनी फिलहाल यहाँ से चली गई और वहाँ पर सेव किए।
यहाँ पर सेफ है और इसका तो कुछ काम है नहीं अपने पास। प्लास का तो कुछ काम है नहीं इस साइड। चलो पत्थर से हम इस साइड से ओके। तुम एकदम मस्त टाइम से यहाँ पर आए हैं नीचे। इस साइड पे से चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या निकलता है। ओ भाई साहब इस साइड वैसे दूसरी की है स्पाइडर की जिसका नाम है। तो पहले नीचे की साइड चलते हैं और इसे लगाते हैं, बाकी की तो हम बाद में ढूंढेंगे। ओके तो अभी यहाँ पर हमें कार की मिल चुकी है, तो कार की डिक्की को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर मास्टर की है। चलो तो अभी हमने यहाँ पर शोर कर दिया है और मस्त टाइम पे एकदम शोर किया है। तो ग्रैनी को बेहोश करते हैं यार सबसे पहले इसने। चलो बेहोश अभी ये हो जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ पर एक शॉटगन का पार्ट भी हमको मिल चुका है, तो इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। और दूसरा पार्ट हो सकता है यहाँ यहीं पर हो, फिलहाल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट नहीं तो मुझे ऊपर की साइड ही जाना होगा और अभी चेक करना हो। तो ग्रैनी अभी एक मिनट के लिए बेहोश हो चुकी है, तब तक के लिए मुझे लगता है काफ़ी चीज़ हम चेक कर लेंगे। तो ऊपर की साइड अभी जल्दी से चलते हैं और एक मिनट में हमें इस साइड तो चेक कर लेना ही है। यहाँ पर कुछ नहीं है और इस साइड वैसे शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर एक वो क्या कहते हैं, चलो उसको हम बाद में देखेंगे। रिमोट कंट्रोल है तो उसको तो ग्रैनी अभी तक तो खैर जिंदा नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर एक बैटरी है और यहाँ पर स्पार्क प्लग, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक शॉटगन का पार्ट हमें मिल चुका है और एक ही शॉटगन का ओके। यहाँ पर व्हील क्रैंक भी मिल चुका है। तो अभी यहाँ से जल्दी चलते हैं क्योंकि ग्रैनी हो सकता है अब तक जिंदा हो चुकी होगी। तो हम इस साइड पहले शोर कर देते हैं और व्हील क्रैंक भी उस साइड वहीं पर पड़ा है, तो उसको भी हम ध्यान में रखेंगे। ओके तो इस साइड तब तक मैंने शोर भी किया, तो आके आई थिंक ग्रैनी उस साइड भी जाएगी। बट इधर देख लेते हैं। ओके तो अभी यहाँ से नीचे की साइड जा रहे हैं। हमें हमारा व्हील क्रैंक भी मिल चुका है, तो क्या करते हैं इस साइड ग्रैनी को बुला लेते हैं। चलो तो अब हम इस साइड चलते हैं। मुझे एक शॉटगन का पार्ट और चाहिए, तो उसे भी चेक करना होगा। इस साइड यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, अभी तक यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं किया है। हाँ मैं इधर ही हूँ, ऊपर की साइड वो गई होगी। ओके गाइस तो यहाँ पर हमें एक और शॉटगन का पार्ट मिल चुका है, बट अभी ये पागल भी इस साइड आ चुकी है, तब तक के लिए हम इस साइड निकल लेते हैं। वैसे भी उस कौवे के पास भी हमको जाना होगा। चलिए भी ओके। तो यहाँ पर ग्रैनी भी मस्त टाइमिंग पे आई थी। अब देखते हैं नीचे की साइड आती है कि नहीं। ओके तो यहाँ पर हमारी शॉटगन कंप्लीट हो चुकी है और इसको मैंने रिलोड भी कर लिया, तो आई थिंक ऊपर की साइड ही चलते हैं अभी।
ओके, तो फिलहाल ग्रैनी तो इस साइड नहीं, लेकिन एक साइड अभी ऊपर की साइड हमारा थोड़ा सा काम है। तो क्या करें, पहले इसे बेहोश कर दें? चलो पहले इसे, नहीं यार इसी साइड बुलाते हैं इसको, नहीं बेहोश कर देते अच्छा रहेगा इसे। चल हट सामने से पागल, कहीं की 1.5 मिनट के लिए मात्र बेहोश हुई है। तो गन को तो ऊपर की साइड ही रिलोड कर लेंगे, तो उसकी तो हमें कोई चिंता नहीं है। देखते हैं ऊपर की साइड हमको क्या मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एमओ भी पड़ी हुई है, तो इसको पहले अब यहाँ पर जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। ओके, फिर रिलोड करके इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, कहीं ग्रैनी आ गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर रेंच मिली हुई, तो रेंच की हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको लेकर नीचे की साइड चलते हैं और ग्रैनी को देख कर चलते हैं। आई थिंक ग्रैनी भी अभी तक ज़िंदा हो चुकी होगी शायद। तो क्या करते हैं, ग्रैनी को वैसे अपने पास अनलिमिटेड एमओ है, तो इसको मार देते एक बार यहीं पर, थोड़ा सा साउंड कर देते हैं। तो अभी तक ग्रैनी तो यहाँ पर फिलहाल नहीं आई है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से निकलना चाहिए क्या। ओके, तो अभी फुटस्टेप आ रहे हैं ग्रैनी के। चलो अभी एक बार मैंने और साउंड कर दिया यहाँ पर। चलो तो ग्रैंड, ओके चल यहाँ से हट रास्ते से। और इस साइड मैंने लगभग सब कुछ चेक कर लिया था, फिलहाल अभी तो हमें कुछ नहीं मिला। ओके, तो अभी थोड़ा सा काम भी और है हमको, तो यहाँ से गन को रिलोड करते हैं पहले और फिर यहाँ से स्क्रू ड्राइवर को गिराते हैं। ओके, तो शॉटगन को यहीं पर छोड़ देते हैं और स्क्रू ड्राइवर को उठाते हैं यहाँ से। अब इस साइड देखते हैं क्या मिलता हमको। वैसे कौवे के पास भी अभी हम चेक कर लेंगे, तो शॉटगन है अपनी तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। यहाँ पर रस्टी पैडलॉक की हमको मिल चुकी है, यानी कि हमारा 1/3 काम कंप्लीट हो चुका। तो शॉटगन को उठाते हैं पहले, नहीं शॉटगन को यहीं पर ड्रॉप करते हैं और इस साइड पहले चलते हैं। यहाँ पर हो सकता है हमें कौवे का खाना मिल जाए, तो खाना उसे खिलाते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल खाना आना कुछ है नहीं कौवे का, इस साइड भी नहीं है, तो क्या किया जाए अभी। तो अभी तो हम फिलहाल यहाँ पर आ चुके हैं और इस शॉटगन को रिलोड करते हैं पहले, तो इस साइड से पहले निकल लेते हैं और शॉटगन को रिलोड करते हैं। ओके, सो गाइस यहाँ पर 1 नंबर लिखा था, यानी कि हमारा काम आसान हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। तो यहाँ पर फिलहाल चुपते हैं, ग्रैनी अभी आ रही थी। ओके, तो यहाँ से संभल कर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा मतलब ट्रैप बिछा दी है,
क्या किया जाए अभी यहाँ पर? तो अभी तो फिलहाल हम वहां से बचकर आ चुके हैं। अब पता नहीं। ओके, तो ग्रैनी यहीं पर खड़ी है अभी। चलो तो इसको भी इस साइड ही बुलाते हैं पहले। चल आ जा पागल। चल तेरा काम हो गया, अब हम भी इस साइड से ही निकल लेते हैं। वैसे थोड़ा भी काम है यहाँ पर तो उसको कर लेते हैं पहले। इसको यहाँ पर ड्रॉप करते हैं और इस स्पाइडर की को, स्पाइडर की, हाँ स्पाइडर की इसका नाम है, तो इसे यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं। ओके, अब कौवे के पास चलते हैं। उसका हो सकता है कौवे के पास हमें वुडन स्ट्रिक मिल जाए। नहीं यार गड़बड़ होगी, कौवा इस साइड है। चल यहाँ से हट। वैसे भी नीचे की साइड भी चेक करना कि वहां पर हो सकता है कुछ मिले। वहां पर अभी तक मैंने चेक नहीं किया वहां पर क्या मिलेगा। तो इसे यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं फिलहाल। वहां हो सकता है वहां पर चेन कटर भी हमको मिल जाए। तो अभी ऊपर की साइड चलते हैं यहाँ से। ओके, तो यहाँ पर मुझे चेन कटर मिल चुका है, यानी कि हमारा 2x3 काम कंप्लीट हो चुका है। तो इसको भी यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, फिर यहीं पर इसको ड्रॉप कर देते हैं। अब क्या करना है हमको? अब मुझे लगता है मुझे सुरंग में जाना होगा। ओके, तो इसको उठाते पहले स्पाइडर की को। अब इस साइड चलते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल अभी मुझे लगता है ग्रैनी क्या। ओके, तो अभी यहाँ पर ग्रैनी भी आ चुकी है। तो वहां से मुझे कुछ नहीं, यहाँ पर तो फिलहाल कुछ नहीं है इस साइड। यहाँ स्क्रू ड्राइवर मैंने नीचे की साइड छोड़ा, तो हम नीचे की साइड ही जाएंगे। तो गलत काम हो गया यार, स्क्रू ड्राइवर इस साइड था। तो इस साइड से पहले स्क्रू ड्राइवर को उठा लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर की हो सकता है हमको जरूरत पड़े और हो सकता नहीं भी पड़े। वैसे मुझे एक वुडन स्टिक चाहिए। नहीं यार, एक काम और करना है। मुझे शॉटगन लेकर वहां पर जाना होगा, उसके नहीं सुरंग में वहां पर। तो शॉटगन मेरी कहाँ पर है? शॉटगन मेरी ऊपर की साइड है। तो अभी ऊपर की साइड ही चलते हैं कि डंडा कंफर्म नहीं हो सकता। चलो अब हम सीधे सुरंग में ही चलेंगे, वहां पर नहीं जाएंगे। तो अभी ग्रैनी भी इस साइड आ चुकी है। तो चलो अभी हम उस साइड चेक ही कर लेते हैं पहले, कंफर्म कर लेते हैं कि डंडा यहीं पर तो नहीं है, फिर शॉटगन बाद में ले जाएंगे। तो शॉटगन भी हमारी यहीं पर पड़ी हुई है, तो देख लेते हैं इस साइड क्या मिलता है हमको। सो गाइस, यहाँ पर डंडा हमको मिल चुका, तो अब केवल इतना है कि ऊपर साइड चलते हैं। ओके भाई, तो ग्रैनी भी यहीं पर आ चुकी है। चलो यहाँ से बच गए, खैर बहुत ज़्यादा बचे भाई।
ओके, तो अभी ग्रैनी को यहाँ से जाने देते हैं पहले, फिर हम ऊपर की साइड जाएंगे। तो ग्रैनी लगता है जा चुकी है। ओके, तो ग्रैनी भी चली गई है। ओके, तो ग्रैनी भी यहाँ से दोबारा भी जा रही है, तो पहले इसे चला जाने देते, नहीं तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। ओके, छी यार, बार बार आ जाती। सो गाइस, अभी इसने तो यहाँ पर हमें मार दिया और हमारा एक दिन भी खत्म हो चुका, तो अब हमारा दूसरा दिन भी स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि दूसरे दिन में ये गेम कंप्लीट हो जाएगा, देखते हैं कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। वैसे आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। पहले यहाँ से चलते हैं और देख लेते हैं ग्रैनी किस साइड से आएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ओके चल, तो अभी ग्रैनी भी आ चुके हैं यहाँ पर, तो मुझे भी इस साइड जाना होगा सुरंग में। छी यार। सो गाइस, इसने अभी एक बार और मुझे मार दिया है और हमारे 2 दिन अभी तक खराब जा चुके हैं, तो अभी तीसरा दिन भी स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं तीसरा दिन में ये गेम कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। ओके, फिर से आ गई पागल। चलो तो इस साइड से ही चलते पहले। मुझे अपनी शॉर्ट गन उठानी है, मेन बात तो ये है, और हमारे टास्क लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इस साइड शोर कर देते हैं, ग्रैनी को इस साइड बुलाते हैं। तो अभी यहाँ पर ग्रैनी इस साइड आएगी, तब तक के लिए हम इस साइड जाएंगे और अपना काम कर लेंगे। यानी कि शॉटगन उस साइड जाना तो मैं 2 बार है, क्योंकि एक बार शॉटगन अभी उठानी है और फिर उसको रिलोड भी करना है ना। तो शॉटगन हमारी कहाँ पर पड़ी है पता नहीं। शॉटगन हमारी कहाँ पर पड़ी है, तो भी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारी शॉर्ट रन गई तो गई कहाँ पर है। इस साइड फिलहाल चेक कर लेते हैं। और ओके, तो हमारी शॉटगन हमें मिल चुकी है, अब यहाँ से बस चलना है, निकलना है यहाँ से। तो पहले एक काम करते हैं, इसे इस साइड साउंड कर देते हैं। पहले इसे आ जाने देते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ से जाएंगे। अब हम यहाँ से चलते हैं, मुझे लगता है ग्रैनी उस साइड चली जाएगी, तो हम इस साइड चलते हैं और यहाँ से अपनी शॉटगन रिलोड कर लेते हैं। ओके, बट सामने से ग्रैनी ना आ जाए, बस इतनी समस्या है। ये तो यहीं पर खड़ी है, चलो इस साइड शोर कर देते हैं। तो अभी ग्रैनी तो इस साइड आती होगी, तब तक के लिए हम इस साइड पे रुक जाते हैं थोड़ी देर। चलो चलते हैं यहाँ से।
अब यहाँ पर ओके शॉर्ट उनको यहीं पर ड्रॉप करते हैं। पहले इस डंडे को उठाते हैं क्योंकि अब हमारा काम लगभग खत्म हो चुका है। ओके तो अभी हम तो फिलहाल यहाँ से सुरक्षित यहाँ पर आ चुके हैं, तो एक काम वो करते हैं इस साइड शोर कर देते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इन्हें ऊपर की साइड ले चलते हैं क्या? चलो इन्हें यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं, इस साइड यहाँ पर चलते हैं। ओके तो मुझे बिल क्रैंक की भी ज़रूरत नहीं है, हमारा काम लगभग ख़त्म हो चुका है, यानी कि लगभग क्या पूरा काम हमारा ख़त्म हो चुका है, बस इन तीनों चीज़ों को हमें यहाँ पर लगाना है क्या। तो अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले अब ऊपर की साइड चलते हैं यहाँ पर। ओके चल राजा पागल। तो अभी यहाँ पर पहले शोर कर देते हैं थोड़ी देर, और फिर वहाँ पर अपनी सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर उस शॉर्ट जहाँ पर उस शॉर्ट रास्ता है वहीं पर ड्रॉप कर देंगे। तो ग्रैनी अब हम यहाँ से चलते हैं, अभी हम यहाँ पर सेफ हैं बिल्कुल। और दिक्कत हो गई यार, कहाँ पर ही लग गया ये। ओके तो अभी तो फिलहाल ग्रैनी तो इस साइड नहीं है, वैसे आएगी जरूर। ओ दिक्कत हो गई यार, तो अभी यहाँ पर ग्रैनी आ चुकी है। चलो इस बार हम इसको उठा लेंगे जरूर। अब चलते हैं यहाँ पर, चलते यहाँ पर। अब सिर्फ हमें डंडा ड्रॉप करना है, तो एक काम करते हैं डंडे को साथ ही ले लिए चलते हैं। तो अभी काम करते हैं यार, इस साइड शोर कर देते हैं। चलो शोर कर देते हैं इस साइड, फिर उस साइड जाएंगे। ओके तो मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर शोर कर दिया है, अब मुझे लगता है कि हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। ओके चल निकल यहाँ से, तू सी यू करती रहे बस। तो यहाँ पर अभी हम नीचे की साइड आ चुके हैं, और यहाँ पर हमारा व्हील क्रैंक भी पड़ा हुआ, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर नीचे की साइड आ चुके हैं, और इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर ड्रॉप करेंगे बस, और कुछ नहीं। यहाँ से दो चीज़ों को और उठा लेते हैं। ओके ये रही हमारी पैडलॉक की, बार थोड़ी दिक्कत होगी यार। अब चेन कटर को भी उठा लेते हैं, अब इस साइड चलते हैं। वैसे ग्रैनी ये गई, चल राजा कैसी चल रही है। तो अभी यहाँ पर हम घर बच गए, मतलब ओके तो यहाँ पर मीट भी पड़ा हुआ, लेकिन मीट का हमें तो
ये मतलब उस साइड ही खड़ी है, ये क्या नाम है इसका, एंजेलिना। अभी तक इसने मुझे देखा। ओके तो देख ले, चल कोई बात नहीं। तो इस बार हम क्या उठाते हैं, डंडे को उठाते हैं। भाई यहीं पर अभी भी खड़ी है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अब हमें ये मतलब बहन भी इस साइड आ चुकी है और ये भी यहाँ से जा रही है। तो अब हमें केवल मतलब इस रस्टी पैडलॉक की को वहाँ पर लगाना है, उसके बाद ओके। तो ये यहाँ से भी चली भी गई है, तो अब हम इस साइड से चलते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर थोड़ी देर में हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है। तो अभी जैसे ओके ओके, सो गाइस यहाँ पर मैंने टूर स्केप और कार स्केप के बाद सीवर स्केप भी नॉर्मल रोड में सक्सेसफुली कर लिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक न्यू और इंटरेस्टिंग हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।